हेलो गाइस, चलिए आज बनाते हैं मिंट चिकन, यानी कि पुदीना डाल के चिकन बनाएंगे। और हम कैसी बनाते हैं, हम अपना स्टाइल एक है मेरा जिससे हम बनाते हैं, आप भी देखिए कि हम किस तरह बनाते हैं और खाने में काफ़ी शानदार बनता है गाइस। चलिए आज बनाते हैं मिंट चिकन। मिंट चिकन के लिए मिंट ले लिए हैं। देखिए पुदीना को अच्छा से हम धो लिए हैं, एक बाउल जितना ले लिए हैं, मतलब एक मुट्ठी, और आधा कप दही ले लिए हैं। इसको पहले हम लोग ग्राइंडिंग कर देते हैं, दही के साथ में पुदीना को मिला के ग्राइंडिंग कर लेंगे। पहले पुदीना को डाल देते हैं। फिर इसमें हम दही को डाल देते हैं। इसको हम लोग फाइन पेस्ट बना लेते हैं पहले। ये देखिए गाइस, हम यहाँ पर आधा किलो चिकन ले लिए हैं। अब इसमें जो हम पीस के रखे हैं इसको डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक को डाल देते हैं और इसको बढ़िया से मिला लेते हैं। मिला के इसको अभी आधा घंटा के लिए रेस्ट में छोड़ देते हैं। चिकन को मैरिनेट करने से ना गाइस, पूरा अंदर तक इसका मिंट का जो सेंट है वो ऑब्जर्व कर लेगा चिकन, और चिकन बहुत जूसी बनता है। ये स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर से कीजिएगा। ये देखिए गाइस, मिंट चिकन के लिए हम 3 प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज का, और 1.5 गांठ कम से कम लहसुन ले लिए हैं, और 2 इंच अदरक ले लिए हैं, और 5-6 हरी मिर्च को ले लिए हैं। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, आप अपना हिसाब से तीखा देख के डालिएगा। इसको फाइन पेस्ट बना लेते हैं पहले। गाइस कढ़ाई बैठा चुके हैं, मस्टर्ड ऑयल ले लिए हैं इसमें, पहले हम इसमें गरम मसाला को डाल देते हैं। इसमें हम कुछ लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी को लिए हैं। फिर हम एक प्याज को लच्छा में काटे हैं उसको डाल दिए। अब इसको हम लोग ट्रांसलूशन होने तक भून लेते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर सूखा मसाला में हम ले लिए हैं 1.5 टीस्पून चिकन मसाला, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर कश्मीरी वाला ले लिए हैं, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ले लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक को ले लिए हैं। ये सब हम सूखा मसाला लिए हैं। अब इसमें हम यहाँ पर ही देखिए प्याज मेरा बहुत अच्छा से फ्राई हो चुका है। अब गैस को हम लो में रखे हैं और सारे मसाला को इसी में डाल देते हैं ताकि मसाला जो है जले नहीं। मसाला बढ़िया से हम फ्राई कर चुके हैं, अब हम पिसा हुआ मसाला को डाल देते हैं। अब इसको तेल छोड़ने तक हम लोग फ्राई कर लेंगे। देखिए गाइस, मसाला से जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। इसी स्टेज में हम जो मैरिनेट करके रखे थे मिंट और दही को मिला के चिकन, उसको डाल देते हैं। ये देखिए, अब इसको बढ़िया से मिला लेते हैं। अब इसको 5 से 7 मिनट तक बढ़िया से हम लोग इसको मिला के चिकन को भून लेंगे तेल सेपरेट होने तक। फिर इसमें हम लोग पानी डालेंगे। देखिए गाइस, हम इसको 5 से 7 मिनट तक बढ़िया से हम इसको भुने चिकन और मसाला को। अब इसी स्टेज में हम इसको जो मसाला धोने जार वाला धोने वाला पानी को डाल देते हैं।
हम जार को धो के पानी डाल दिए। इसमें और पानी नहीं डालेंगे, इसी में ही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा मतलब माखा माखा स्टाइल में बनाएंगे, तरी वाला नहीं बनाएंगे। ये देखिए गाइस, मेरा चिकन करी बनके पूरा तैयार है। चलिए अब हम आपको प्लेटिंग करके दिखा देते हैं। ये देखिए, तरी काफ़ी मोटा हो चुका है, ठीक हो चुका है। चलिए अब प्लेटिंग करके आपको दिखा देते हैं। इसमें और कोई गरम मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि गरम मसाला हम पहले से ही यूज़ किए हुए हैं। देखिए गाइस, प्लेटिंग कर चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो देख के ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप सबसे पहले उसका एंजॉय कर सकें। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ गाइस। घर पे ज़रूर 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 से बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि आप घर पे बनाएं तो कैसी बनाएं।